हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग शांति शिक्षा के बारे में बात करेंगे, जो आपका शांति शिक्षा सब्जेक्ट हो जाता है। इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शांति शिक्षा के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शांति शिक्षा आखिर होता क्या है? तो शांति के लिए शिक्षा, जीवन के लिए शिक्षा, और वो जीविका के लिए प्रशिक्षण मात्र नहीं है। उसका मकसद है लोगों को ऐसे मूल्यों, कौशलों और अभिवृत्तियों से लैस करना, जिससे उन्हें दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने वाले पूर्ण व्यक्ति और उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद मिले। यानी जो शांति शिक्षा है, उससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें शांति का माहौल रखना चाहिए, हमें सभी के साथ प्रेम भाव अपना रखना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और सभी से प्रेम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जात पात धर्म के नाम पे झगड़े करें, या चीज़ों पे, जैसे कि कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही है तो हम क्या करें, उससे झगड़ा करके वो चीज़ छीन लें, तो ये सब चीज़ें नहीं आती है। इसमें यह होता है कि आप शांति बना के रखें। यानी शांति से कहते नहीं है कि एक शांति से, एक खामोशी से 100 बलाएं टल जाती है। यानी अगर आप खामोश हैं, अगर आपको कोई कुछ कह भी रहा है तब भी आप खामोश रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमको ऐसा कह दिया, हमको अपशब्द कह दिए, तो हम भी उनको ज़रूरी है कि अपशब्द ही कहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उनको कहने दीजिए, ऐसा है कि वो कह ले वो बड़े बन जाए, लेकिन आपको कुछ भी नहीं कहना है। जब आप शांति का भाव अपनाएंगे, शांत रहेंगे, तो आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, प्लस क्या होता है कि समाज में शांति का भाव, क्योंकि कहते नहीं एक एक से एक चैन बनती है। कहते हैं एक को जोड़ो तो दो बनते हैं, फिर उसमें एक और जोड़ो तो तीन बनते हैं, फिर उसमें एक और जोड़ो तो चार बनते, इस तरह से एक चैन बनती है। जब सभी इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो क्या होगा कि सभी लोग इस तरह का माहौल अपनाएंगे और इस तरह से रहना पसंद करेंगे। तो ये आपकी शांति शिक्षा हो जाती है, हम इसी के बारे में आज जानेंगे। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शांति कौशल से क्या अभिप्राय है? तो शांति कौशल से अभिप्राय देख लेते हैं। विद्यार्थी में ऐसा कौशल या व्यवहार विकसित करना जिससे वे प्रभावी शांति निर्माता बन सके। यानी शांति कौशल किसी भी काम को कुशलता से संपादित करने की क्रिया को क्या करता है? कौशल, वही जो कौशल होता है उसी को क्या कहते हैं? शांति कौशल कहते हैं। उत्तरदायित्व किसे कहते हैं? उत्तरदायित्व काम का बीड़ा उठाने और उसे ठीक ढंग से पूरा करने की योग्यता, अपने हिस्से के दायित्व का निर्वाह करने को तैयार करना उत्तरदायित्व कहलाता है। जैसे कहते नहीं कि भाई हमारा ये उत्तरदायित्व है, हमें ऐसा काम करना चाहिए, हमें अपने देश के प्रति ऐसा करना चाहिए, हमारा ये उत्तरदायित्व है, हमें बड़ों के प्रति ऐसा करना चाहिए, हमारा ये उत्तरदायित्व है। तो ये क्या होता है कि अपने काम का बीड़ा उठाना, और उसे ऐसा नहीं सिर्फ आपने बीड़ा उठा लिया और उसे सही ढंग से नहीं किया, उसको सही ढंग से भी करना, ये होता है उत्तरदायित्व। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी है ना। तो व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है, तथा इसमें मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित होते हैं। यानी कैसे गुण समाहित होते हैं? तो शारीरिक होते हैं और मन के भी होते हैं, मनो भी, यानी कि दोनों प्रकार के गुण समाहित होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, आइजेनिक के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों और विचारों की क्रियाशील, यानी विचारों को क्रियाशील बनाता है एवं निर्देशित करता है। व्यक्तित्व के निर्धारण तत्वों का उल्लेख कीजिए। व्यक्तित्व के निर्धारण तत्व जैविक कारक तथा वातावरणीय कारक प्रमुख हो जाते हैं। वातावरण कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि वातावरण दो प्रकार का होता है, जैविक कारक तथा वातावरणीय कारक। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे वातावरण मतलब पर्यावरण। तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, भौतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत वायु, जल, खाद्य पदार्थ, भूमि, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, नदी, पर्वत, खनिज पदार्थ, ये सब आ जाते हैं।
और अब देख लेते हैं आंतरिक वातावरण में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। तो आंतरिक वातावरण के तत्व हैं भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये हो जाते हैं। जनसंचार माध्यम क्या है? जनसंचार मतलब चीज़ें हमें कैसे प्राप्त हों, कि जैसे कहते हैं जनसंचार रेडियो के माध्यम से, रेडियो कहीं और, देखिए रेडियो हमारे पास है लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से चीज़ें चालू हुई हैं, यानी हमें वो चीज़ प्रोवाइड हो जाती है, उसके बारे में नॉलेज हो जाती है ना। तो ये सब क्या है, ये जनसंचार के माध्यम है। कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें इनके माध्यम से प्राप्त हो जाती है। जैसे रेडियो हो जाता है, दूरदर्शन हो जाता है, पत्रिकाएं हो जाती हैं, समाचार पत्र हो जाते हैं, इंटरनेट हो जाते हैं, ये सब क्या है, ये जनसंचार के माध्यम हो जाते हैं। आप इसे लिख सकते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद सामाजिक अंतःक्रिया के आधार बताएं। सामाजिक अंतःक्रिया के आधार निम्नलिखित है, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, व्यवस्था तथा आत्मीकरण प्रमुख हो जाते हैं। बालक के व्यक्तित्व निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायक हैं? प्रेम, सहयोग, करुणा, मैत्री, सहिष्णुता आदि के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब बालक के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे, देखिए प्रेम के द्वारा, कि जब आप बच्चों को प्रेम करना, सहयोग करना, मैत्री भाव से रहना, ये सब सिखाएंगे तो बच्चे का क्या होगा, व्यक्तित्व का निर्माण होगा। रचनात्मक सोच क्या है? रचनात्मक सोच सकारात्मक विचार एवं क्रियाकलाप को जन्म देती है। सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच, और हमें कैसी सोच रखनी चाहिए, हमें सदैव पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, नेगेटिव नहीं कि हम ये काम कर रहे हैं पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसमें पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं लेकिन परंतु, ये सब क्या है, ये नेगेटिव है। हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, यानी सकारात्मक, कि हम जो वर्क कर रहे हैं हमें उसमें सफलता लेनी है, मिलनी नहीं हमें लेनी है। किस तरह लेनी है, अगर कोई 2 घंटे पढ़ के वो प्राप्त कर रहा है तो हम अगर 2 घंटे में नहीं तो हम 4 घंटे पढ़ाई करेंगे, 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन हमको सफलता लेनी है, यानी हम पॉजिटिव हैं। और नेगेटिव कैसे होंगे, उन्होंने 2 घंटे पढ़ाई की, उनका कुछ नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे, वो तो हमसे ज़्यादा माइंडेड है। ऐसा क्यों, हमसे ज़्यादा कोई माइंडेड नहीं, हम सबसे ज़्यादा माइंडेड हैं। ये सोचें आप, ये नहीं सोचे कि हम कुछ नहीं है, नहीं हम सब कुछ है, जो कुछ है वो हम है। जब आप ये चीज़ सोचेंगे तो आप में पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, और जब पॉजिटिव थिंकिंग आएगी तो आप कोई भी वर्क बड़ी आसानी से कर पाएंगे। यही आपकी क्या हो जाती है, रचनात्मक सोच हो जाती है। प्रभावी संप्रेषण क्या है, आपसी व्यवहार स्वस्थ अच्छा रखने में प्रभावी संप्रेषण, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, अर्थात आनी बात को अच्छे प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने पर संबंध स्वस्थ एवं विकास की ओर बढ़ते हैं। समस्या समाधान करना क्या है, यानी किसी भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना वही हो जाता है, आपको तो क्वेश्चन से ही पता चल गया है ना। समस्या समाधान करने की कुशलता जीवन को खुशहाल एवं स्वस्थ बनाती, यानी कोई समस्या आई आपने उसका हल निकाला, आपने उसको खोज लिया कि इस समस्या का ये हल है, तो आप क्या है, आपका जीवन कैसा होगा, खुशहाल होगा, आपको खुशहाल भी बनाएंगे, स्वास्थ्य भी बनाएंगे। और अगर आपके पास समस्या आ गए, आप उसमें उलझ गए कि हम क्या करें, अब ये समस्या है कैसे इससे निपटें, ऐसा नहीं, कैसे निपटें ये तो सोचना है, लेकिन सोचने के बाद उसको करना भी है। और जब हम कर लेते हैं, कोई भी समस्या है उसका समाधान खोज लेते हैं, जैसे हमारा ये सेमेस्टर है DLED 4th semester, ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, कैसे हमें अच्छे नंबर गेन करने हैं, किस तरह से हमें अच्छा परसेंटेज लाना है, ये हमारी समस्या थी, अब हम इसका समाधान निकालेंगे, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से क्लास अटेंड करेंगे, रोज पढ़ेंगे, तो ये हमारा समाधान हो गया। जब समाधान हो गया तो हम क्या हो गए, हम खुशहाल हो गए ना, क्योंकि भाई हमको उम्मीद हो गई कि हम बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, तो ये हो जाता है। उसके बाद एक आदर्श शिक्षक में क्या गुण होते हैं, तो आदर्श शिक्षक के गुण देख लेते हैं। एक आदर्श शिक्षक की तुलना माली से की जाती है, जिस तरह क्या होता है, माली पूरे फुलवाड़ी की रक्षा करता है, एक एक फूल को बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करता है, कि उसको पता होता है कौन से
पौधे को पानी देना है, कौन से पौधे को खाद देना है, कौन सा पौधा मुरझा रहा है, कौन सा पौधा चल रहा है, किसमें हमें कितनी मेहनत करनी है, ये सब चीज़ें हो जाती है। इसी तरह शिक्षक भी क्या है, एक माली है। उसकी तुलना किससे की गई है, तो माली से की गई है, क्योंकि क्लास में बच्चे होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन शिक्षक को पता होता है हमको कौन से बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, कौन बच्चा कैसे सीख पाता है, ये सब चीज़ें उसे पता होती हैं। जो बच्चों में ज्ञान और अच्छे संस्कारों के बीज बोता है, मानव और करुणा से सोचता है तथा अज्ञानता की खरपतवार को हटाता है। खरपतवार हटाना यानी कि जैसे भाई माली है तो गार्डन में क्या होता है, पौधे ही पौधे तो सिर्फ नहीं होते, उसमें खरपतवार भी निकल आते हैं जिनको हटाना रहता है, यानी इनको अपशिष्ट पदार्थ बोलेंगे, है ना, कि जिन जो चीज़ें निकल आई हैं लेकिन इनकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, तो उनको क्या करते हैं, उनको निकाई गुड़ाई करके उनको हटाते हैं। उसमें ये भी देखते हैं कि कौन कैसे हमें ये कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है, किस तरह से हमें कितनी खाद डालनी है, कितना पानी देना है, ये सब चीज़ें माली जानता है। तो इसी तरह शिक्षक भी क्या करता है कि जो अज्ञानता होती है, अज्ञानता रूपी जो खरपतवार होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उस खरपतवार को आप हटाएंगे नहीं, यानी शिक्षक के रूप में आप नहीं हटाएंगे, आपका यही काम है कि उस जो अज्ञानता रूपी खरपतवार है उसको आप हटाएंगे और बच्चों को ज्ञान देंगे। तो यही हो जाता है, यानी कि एक आदर्श शिक्षक की क्या क्या गुण होने चाहिए, तो एक आदर्श शिक्षक की तुलना माली से की गई है, जो बच्चों में ज्ञान और अच्छे संस्कारों के बीज बोता है और ममत्व और करुणा से सोचता है तथा अज्ञानता के खरपतवार को हटाता है। शांति के लिए शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या है, मूल लक्ष्य है व्यक्तित्व निर्माण एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करना। यानी जो आज का जो बच्चा है, जो स्कूल में पढ़ रहा है, वो कल का क्या है, वो भावी नागरिक है। और जब हम उसे इन सब पाठों के बारे में बताएंगे, शांति शिक्षा के बारे में समझाएंगे, सब चीज़ें उसको समझाएंगे कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें अगर कोई कुछ कह भी दे तो हमको बर्दाश्त कर लेना चाहिए, हमें पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, हमें सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, हमें किसी कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जब इस तरह से पाठ आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो कल का वो भावी नागरिक बनेगा, और जब भावी नागरिक बनेगा तो हमारा देश तो अच्छा हो ही जाएगा, है ना। तो इस तरह से हो जाता है, यानी मूल लक्ष्य है व्यक्तित्व निर्माण एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करना। शांति पर बल क्यों दिया जाता है, शांति पर दूसरों के साथ सोचने विचारने साझा करने ख्याल करने एक दूसरे का सहयोग करने हेतु दिया जाता है। यानी शांति पर तो इसीलिए तो बल दिया जाता है कि अगर हमको कोई कुछ कह ले तो हम उसको पलट के जवाब ना दें, अगर कोई हमसे झगड़े के लिए उतावला भी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या होते हैं, झगड़ा करने के लिए उतावले रहते हैं कि किस तरह से, जैसे आप मान लो सक्सेस हो रहे हो, ठीक है, और अब वो आप बहुत खुश हो, क्योंकि कोई भी भाई सक्सेस की मार्ग पे जाता है, रास्ते पे जाता है, तो वो खुश तो होता है। अब दूसरा शख्स ये सोच रहा है, मैं तो पहली बात तो मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, दूसरी बात ये इतना खुश कैसे है, आज का क्या दौर है, लोग सोचते हैं कि मैं दुखी हूँ, ये नहीं सोचते हैं, ये सोचते हैं कि वो खुश कैसे है। अब उसकी खुशी का राज जानेंगे और उसको किसी ना किसी तरह से दुख देंगे, तो आप बिल्कुल भी इसकी चिंता ना करें। अगर वो आपको दुख देना भी चाहता है, कोई चीज़ आपको दे कोई मान लीजिए और आप उसको ना लेना चाहें तो, है ना, क्योंकि भाई आपने हमें कोई चीज़ दी और हमें उस चीज़ की नीड ही नहीं है तो हम उसको लेंगे ही नहीं। तो अगर हमें कोई वो चीज़ देना चाह रहा है, मान लीजिए हमको कोई दुख देना चाह रहा है, हम उसको लेंगे ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, भाई तेरी चीज़ है तू ही ले, ऐसा होता है ना कि भाई आप ही पकड़ो, हम तो नहीं इसको लेते हैं, तो आप उसको लो ही ना, सबसे आसान तरीका है। तो क्या कह रहे हैं, शांति पर बल क्यों दिया जाता है, तो शांति पर दूसरों के साथ सोचने विचारने साझा करने ख्याल करने एक दूसरे का सहयोग करने पर बल दिया जाता है इसी के लिए। तो आप ये चीज़ आप ध्यान रखें कि भाई हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें किसी से मारपीट नहीं करनी है, और हमें अपने विचारों को दूसरों से साझा करना है, दूसरों का ख्याल रखना है, दूसरों का सहयोग करना है। तो इस तरह से इसीलिए शांति शिक्षा पर बल दिया जाता है। हिंसा क्या है, हिंसा मतलब जिस कार्य से दूसरों का अहित होता है वही हिंसा है। अहित मतलब बुरा, है ना, अहित मतलब बुरा, यानी झगड़ा करना हो जाता है किसी के साथ, है ना, किसी के साथ आप झगड़ा करोगे, हिंसा का मार्ग अपनाओगे तो क्या होगा, उससे दुश्मनी ही तो बनेगी ना। लेकिन
जब हम शांति का पाठ पढ़ेंगे तो हम झगड़ा क्यों करेंगे, हम करेंगे ही नहीं। अगर कोई करना भी चाहता है तो जाओ भाई, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, हमें झगड़ा नहीं करना है। अगर कोई दो बातें भी सुना ले तो आप सुन लो, क्योंकि कहते नहीं जो ऊपर वाले ने कान दिए तो सुनने के लिए दिए हैं। एक दो कान हैं, एक कान से हमने सुना, दूसरे कान से हमने निकाल दिया, बात खत्म किया, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। हिंसा के कितने रूप हैं, मारपीट करना, जान से मारना, किसी को मानसिक दुख देना, क्रोध करना हिंसा के रूप हो जाते हैं। यानी हिंसा के कौन कौन से रूप हैं, तो मारपीट करना भी हो जाता है, जान से मारना भी हो जाता है, मानसिक दुख भी, ये भी हिंसा का रूप है। जैसे कहते नहीं मैंने तुमको भाई क्या कहा, कुछ भी तो नहीं कहा, मैंने सिर्फ दो चार बातें सुना दी थी, लेकिन नहीं ये हिंसा का रूप हो जाता है। किसी से आप बेफजूल में क्रोध कर रहे हैं तो ये क्या है, ये हिंसा का ही रूप हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, कहते हैं मैंने सिर्फ मुंह से ये चीज़ कही थी। और लेकिन कभी कभी कहते नहीं कि आप किसी को गोली मार दो, उतना दर्द नहीं होता है जितना आप बातों से उसको दर्द आप पहुंचा दोगे। किसी को आप कहते नहीं है उसको जख्म दे दो, लेकिन अगर आपने बातों से उसको जख्म दिए वो कभी भी आपके नहीं मिट सकते, है ना। हर चीज़ का इलाज है, लेकिन जो बातों से जो चोट लगती है उसका इलाज नहीं है दुनिया में। तो ये चीज़ हो जाती है। हिंसा के प्रति महात्मा गांधी के क्या विचार हैं, किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत भाव हिंसा कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे गांधी जी ने क्या कहा है कि किसी के बारे में गलत सोचना भी हिंसा है। यानी कि आप जैसे कोई, वही चीज़ अभी एग्जांपल दिया कि कोई आगे बढ़ रहा है, कोई तरक्की कर रहा है, कोई भाई तरक्की कोई आसानी में नहीं करता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके वो उस मार्ग पे चल पाता है और मंजिल को प्राप्त कर पाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही मुश्किल से वो अपनी मंजिल को पा पाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनसे घृणा रखते हैं, जलन रखते हैं और उनके बारे में बुरा सोचने लगते हैं, उन पर ब्लेम लगाने लगते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, तो ये एक हिंसा का भाव हो जाता है। यानी उनके माइंड में वो चीज़ चले कि किस तरह से हम इनको नीचे गिराएं, किस तरह से हम इनको क्या करें, इनको सक्सेस ना होने दें, अगर ये सक्सेस हो गया तो हमारी लाइन क्या होगी, छोटी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइन छोटी कैसे होती है, आप की लाइन जितनी है उतनी ही है, लेकिन अगर कोई आगे बढ़ रहा है वो अपनी लाइन खींच रहा है, तो वो जब बड़ी लाइन खींच रहा है और आपकी पहले से छोटी लाइन है, तो आप इसको मिटा के छोटी ना करो, आप अपनी लाइन भी बढ़ाओ, वो तरक्की होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। यानी किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत भाव रखना भी हिंसा होता है। संवेदना का आशय स्पष्ट कीजिए। बेहतर जिंदगी हो, श्रेष्ठ समाज व परिवार के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है संवेदना। संवेदना यानी दूसरों की वेदना को खुद महसूस कर पाना। यानी अगर कोई दुखी है तो आप उसके दुख को समझो, उसकी वेदना को समझो कि ये दुखी है। ऐसे अपने पे इंसान लेके देखता नहीं कि इनके दर्द हो रही है, सिर में दर्द हो रही है या इनके फीवर है, तो इनको इतनी प्रॉब्लम हो सकती है जितने मेरे फीवर था तो मुझे प्रॉब्लम थी, या इनके सिर में दर्द है तो इनको इतनी पीड़ा हो रही होगी जितनी मुझे हुई थी जब मुझे सिर में दर्द हुआ था। जब आप ऐसे सोचेंगे तो आपका तो कोई दुश्मन रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि आप सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, समझ रहे हैं लोगों को, तो क्या होगा, तो यही संवेदना होती है, ठीक है ना। मीडिया के कितने प्रकार हैं, मीडिया के प्रकार लोक संचार माध्यम, जन संचार माध्यम एवं मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ यानी पोरबंदर में हुआ था। उसके बाद है गांधी दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है, गांधी दर्शन को 3 भागों, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा तथा समान दर्शन में बांटा गया है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का आग्रह, वह सत्य शक्ति है किंतु चूंकि सत्य आत्मा है इसलिए वह आत्मशक्ति भी है। अहिंसा से क्या अभिप्राय है, अहिंसा दुर्बलों का नहीं वीरों का सिद्धांत है। अहिंसा का अर्थ अत्याचारी के समक्ष आत्मसमर्पण करना नहीं बल्कि अत्याचारी की इच्छा के विरुद्ध चुनौती देना है। यानी कि अहिंसा का मतलब क्या है, अहिंसा मतलब झगड़ा ना करना। जैसे कि
अहिंसा दुर्बलों का नहीं वीरों का सिद्धांत है। अहिंसा करना क्या है कि जब आपसे कोई झगड़ा कर रहा है और आप उसे झगड़ा नहीं कर रहे हो तो आप क्या हो, आप वीर हो गए, क्योंकि आपने इतना बर्दाश्त किया। और सबसे ज़्यादा कहते नहीं कि जिन्होंने सहना सीख लिया उन्होंने रहना सीख लिया। तो जब आपने सहा तो आप वीर हो गए, आप दुर्बल बिल्कुल भी नहीं रहे। अहिंसा का अत्याचारी के समक्ष आत्मसमर्पण करना नहीं, यानी कोई आपके साथ अहिंसा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आपको अपशब्द सुना रहा है, अब ये सोच रहा है कि वो हमसे पलट के उसने कुछ नहीं कहा, यानी कि वो हमसे डर गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो अत्याचारी है, जिन्होंने आपको अपशब्द कहे हैं, जिन्होंने आपको प्रताड़ित किया है, मानसिक प्रताड़ना दी है, तो वो ये सोच रहे हैं, लेकिन आपने उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है, बल्कि वो उसकी जो इच्छा थी, यानी वो जो अत्याचारी है, जो वो शख्स अत्याचारी है, उसके विरुद्ध आपने चुनौती उसको दे दी कि भाई तुमने कहा मुझे, तुमने मुझे अपशब्द कहे, क्योंकि तुम्हारा रहन सहन इस ढंग का है, तुम्हारा माहौल इस ढंग का है, तुम्हारी परवरिश इस ढंग की है, लेकिन मेरी परवरिश ऐसी नहीं है, तुमने मुझे चार बातें सुना ली, सुना लो, लेकिन मैं तुमको कुछ भी नहीं कहूँगा या नहीं कहूँगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मैं चुनौती को क्या कर रही हूँ, तुमको मैं इसके विरुद्ध चुनौती दे रही हूँ, अब मुझसे बुलवा के दिखवा लो। क्योंकि कहते नहीं, बुलवाना तो आसान है, लेकिन चुप कराना या चुप रहना, किसी को चुप कराना, यानी कोई चुप है तो वो चीज़ आसान नहीं है। और आप वही करके देख लो, फिर देखो जो आपके विपक्षी हैं तो वो किस तरह से क्या करते हैं, क्योंकि वो तो यही कि मतलब मैं कुछ कह भी रहा हूँ मगर पलट के मुझे जवाब ही नहीं दे रही है, ऐसा होता है ना, लेकिन नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो ये क्या हो जाता, अहिंसा दुर्बलों का नहीं वीरों का सिद्धांत है। अब आपने अहिंसा सीखी यानी कि आप वीर हो गए, और जिसने आपको सुनाया, जिसने आपको कहा, वो क्या हो गया, वो दुर्बल है, वो कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, रॉस के अनुसार दर्शन क्या है। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे में निहित हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है, जबकि शिक्षा क्रियात्मक पक्ष हो जाता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है, बच्चों के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास ही शिक्षा है। यहाँ पे है शिक्षा है क्या है, तो बच्चों की शारीरिक, मानसिक और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास ही शिक्षा हो जाता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या माध्यम होना चाहिए, तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा किस लिए होना चाहिए इस पर भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, तो अपनी मातृभाषा। कहाँ से सीखता है, तो अपनी माँ से सबसे पहले सीखता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो अपनी माता के संपर्क में आता है, फिर अपने पिता के संपर्क में आता है, फिर अपने बड़ों के, जो अपने परिवार के सदस्य होते हैं उनके संपर्क में आता है, तो वो मातृभाषा। अब उसको शिक्षा जब मातृभाषा में दी जाएगी तो वो चीज़ों को आसानी से सीखेगा, लेकिन अगर आपने किसी और लैंग्वेज में बच्चों को शिक्षा दी तो बच्चे, जैसे अभी विद्यालय में बच्चे आते हैं तो कुछ सहमे होते हैं, कुछ डरे जैसे होते हैं, पहले दिन मान लीजिए कोई भी हो, हम आप कोई भी गए तो कैसे गए, सहमे हुए, डरे हुए, लेकिन जब हम खुले, जब हम जैसे बोल रहे हैं वहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब तो ऐसा है कि बच्चों को जैसी वो लैंग्वेज बोलते हैं उसी लैंग्वेज में आप बच्चों को शिक्षा दें, यही तो है कि आप उसी लैंग्वेज में उस पर वो ना करें कि मना ना करें कि आप इस तरह की लैंग्वेज नहीं बोल सकते, आप बिल्कुल वैसे एक्वरेट बोलो जैसे स्कूल में बोली जाती है, ऐसा नहीं, उसको जहाँ पे कंफर्टेबल, जैसे वो भाषा बोल रहा है कंफर्टेबल है, उसी को मतलब उसको यूज़ करने दो, यही चीज़ है ना। तो क्या है, जब आप मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देंगे तो बच्चे आसानी से चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि वो सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आए, वहाँ पे उन्होंने सीखा, बोलना सीखा, उनको कुछ ऐसा नहीं है कि वो कोरी स्लेट नहीं होते हैं, वो अपने घर से अपनी मातृभाषा को लेके जाते हैं, तो आप जब मातृभाषा में उन्हें सिखाएंगे तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने कहा है कि बच्चों की जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, तो बच्चों के जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। जीविकोपार्जन यानी कि देखिए, जीने के लिए क्या चाहिए, जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ही चाहिए। अब बच्चों को शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जिससे वो अपना आगे ये सब कर सकें, इन सब चीज़ों को वो जुटा सकें, है ना। फिर क्या हो जाता है, चरित्र निर्माण।
चरित्र निर्माण भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही नहीं है तो सभी चीज़ बेकार है। आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपका चरित्र निर्माण हो गया है, आपने शिक्षा ऐसी ग्रहण की है जिससे आप ऐसे हो गए हैं कि आपको दुनियादारी से मतलब नहीं है, आप हर चीज़ में परफेक्ट है ना। आपका जब चरित्र अच्छा है तो हर चीज़ में आप परफेक्ट हैं। और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास, यानी शारीरिक विकास भी और मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का भी विकास करना हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जीविकोपार्जन के योग्य बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है और चरित्र निर्माण भी बहुत ही ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई भी डाउट है उसको क्लियर करना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, उनको भी बेनिफिट मिलेगा, है ना। और जितना आप शेयर कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि चीज़ें हम उतनी ही बेहतर, क्योंकि बेहतर से बेहतरीन चीज़ें हम लाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको 100% अपना दें, और हम देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमें 100% दें। तो आप लोग शेयर भी करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, और अगर अच्छा लगे सेशन तो लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी हो, तो शिक्षण विधि पुस्तकीय ना होकर क्राफ्ट केंद्रित होनी चाहिए। यानी क्या है कि पुस्तकीय विधि, पुस्तकीय अगर विधि है, आप बच्चों को पुस्तक, आपने बच्चों से कहा कि आप बुक्स खोलो, ठीक है, बुक्स में जो लिखा है उसको रटवा दिया, बच्चों को कुछ नहीं समझाया, कुछ नहीं बताया, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पुस्तक से तो सभी पढ़ सकते हैं भाई, हमारे पास ढेरों सारी पुस्तकें रखी हैं, हम उसको खोल के पढ़ सकते हैं, क्या आपके पास नहीं होंगी? आपके पास भी बहुत सारी बुक्स होंगी, लेकिन पढ़ाने का ढंग है ना, पढ़ाने का जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, उस पे ध्यान दें, क्योंकि बुक्स तो सभी पढ़ सकते हैं। तो यही चीज़ हो गई। और क्राफ्ट केंद्रित क्यों, क्योंकि जब क्राफ्ट से चीज़ें बनवाई जाती हैं, उसको उभारा जाता है, उसमें उभार लाया जाता है, तो चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आती हैं कि हाँ, हमारे टीचर्स ने ये चीज़ बनवाई थी, इस तरह से हमको सिखाया था, इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही कहते हैं आनंद में होकर, यानी कि आनंद में होकर ही शिक्षा प्राप्त करते, और कहते हैं बोझिल, बोरिंग जो शिक्षा होती है वो शिक्षा अच्छी नहीं होती है। जो इंजॉय करके शिक्षा ली जाए, जो समझ के शिक्षा ली जाए, वो शिक्षा शिक्षा होती है, उससे कुछ सीखा जाता है। सिर्फ आप रटन पद्धति पे आप ध्यान दें, रट लिया, एग्जाम में लिखा है, इससे कुछ नहीं। आपकी समझ में कितना आया, चीज़ें आपने समझी कितनी, या आप दूसरों को कितना समझा पा रहे हैं, क्योंकि भाई हमने कहीं शिक्षा की, हमने आपको समझाया, अब आप किसी और को समझाने के लायक बने, है ना। तो ये होती है शिक्षा। तो इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि शिक्षण पुस्तकीय ना होकर क्राफ्ट केंद्रित होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो कलकत्ता में 1863 ईस्वी में हुआ था। विवेकानंद जी ने शिक्षा का क्या अर्थ सुझाया, तो शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता का विकास है। यहां वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्त संभावनाओं की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। विवेकानंद जी द्वारा शिक्षा के क्या उद्देश्य, मनुष्य का विकास, आंतरिक पूर्णता, समाज सेवा की धारणा, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, त्याग की भावना, राष्ट्रीय भावना एवं विश्व बंधुत्व का विकास। अब इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य का विकास, अंतर्निहित पूर्णता, समाज सेवा की धारणा। आपने शिक्षा क्यों प्राप्त की भाई, आप में ये चीज़ है कि हमें समाज की सेवा करनी चाहिए। समाज की सेवा आप कैसे करेंगे, कोई दुखी है, आप उसको देखेंगे, उस पर ध्यान देंगे, उसके दुख को दूर करने की कोशिश करेंगे, कोई भूखा है तो उसे भोजन देंगे, किसी को कपड़े की ज़रूरत है उसे आप कपड़ा देंगे, किसी को पैसे की ज़रूरत है तो आप दान करेंगे, ये सब क्या है, ये समाज सेवा की धारणा हो जाती है। जीविकोपार्जन का उद्देश्य, यानी आपने शिक्षा प्राप्त की, अब आपको भी तो जीविकोपार्जन चाहिए ना, आपको जीने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उन सब चीज़ों को आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे, तो जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, उसके बाद आप कुछ वर्क भी तो करेंगे ना,
तो जब शिक्षा के द्वारा जो वर्क किया जाता है तो वो क्या है, वो जीविकोपार्जन हो जाता है। त्याग की भावना, आपने शिक्षा प्राप्त की, अब आपने त्याग की भावना नहीं सीखी कि आपने बस अपना फायदा देखा, हमेशा अपना फायदा देखा, तो शिक्षा ग्रहण करने से क्या फायदा। आप अपना फायदा देखें लेकिन पहले आप अपना त्याग करना भी तो सीखें, क्योंकि कहते नहीं प्राप्त तो सब करते हैं लेकिन त्याग कौन करता है, जो त्याग करता है वही महान बनता है। प्राप्त करने वाले का कोई नाम नहीं होता। कभी आपने सुना जितने जिन लोगों ने हम लोगों को आज़ाद कराया, आज हम आज़ादी से ज़िंदगी जी रहे, उन लोगों ने क्या किया, वो सभी लोग क्या थे, बहुत अच्छे घरानों से थे, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड थे, लेकिन चाहते तो वो लोग नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते थे, अच्छे से रह सकते थे, लेकिन क्या उनमें त्याग की भावना थी कि नहीं हम अपने आप को त्याग देंगे, अपने आप को ख़त्म कर देंगे लेकिन दूसरों को हम आज़ादी दिला के रहेंगे। यही तो हुआ ना। तो हमें क्या है, आज हम लोग आज़ाद हैं लेकिन वो अमर हो गए, क्योंकि उनका नाम जब तक संसार में चीज़ें रहेंगी तब तक नाम रहेगा। तो यही तो होता है। तो ये त्याग की भावना होती है और ये बहुत ज़रूरी होता है। राष्ट्रीय भावना एवं विश्व बंधुत्व का विकास, क्योंकि जब आप क्या करेंगे, सभी से भाईचारा रखेंगे, क्योंकि शिक्षा क्या है, यही तो हमें सिखाती है कि हम शांति का पाठ पढ़ें, भाईचारे का पाठ पढ़ें, प्रेम का पाठ पढ़ें। तो ये सब चीज़ें हमें शिक्षा सिखाती हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ हमने किताबें पढ़ ली और हमने उससे ज्ञान नहीं, एक पढ़ना कहते हैं साक्षर और शिक्षित में बड़ा अंतर होता है, क्योंकि अगर जिसने अक्षरों को तो पहचान लिया लेकिन शिक्षा नहीं प्राप्त की तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। आपने शिक्षा भी प्राप्त की और अक्षरों को भी पहचाना तो बात बनती है। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष कब घोषित किया गया, वर्ष 1986 ईस्वी में। तनाव कितने प्रकार का होता है, तो तनाव दो प्रकार का होता है, सकारात्मक एवं नकारात्मक होता है। अब तनाव, अब यहाँ पे तनाव आपने वर्ड जैसे ही सुना कि तनाव मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में है और हम कोई काम नहीं कर पाते, तनाव ये है, या तो तनाव की मतलब तनाव करेंगे तभी वर्क होगा, लेकिन नहीं, तनाव दो तरह का होता है, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कौन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ये आपका नेगेटिव हो जाता है। यानी आप इतना तनाव रखें, जैसे आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, मैं ये एग्जाम्पल दे चुकी हूँ फिर से मैं दे रही हूँ, जैसे आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा तनाव नहीं रखेंगे तो आपको पता है हमको इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इसमें कौन कौन से टफ सब्जेक्ट्स हैं, हालांकि टफ सभी हैं रफ सभी हैं, जिसको आपने पढ़ लिया वो आप लोगों के लिए ईजी हो गया, जिसको नहीं पढ़ा वो टफ है, ठीक है, आपको इतने पढ़ने हैं, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा तनाव ज़रूर रखेंगे। जब तनाव रखेंगे तभी कि हाँ एग्ज़ाम आने वाले हैं, टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, हमें निकालना भी है, फोर्थ सेमेस्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, 2024 में वैकेंसीज भी आने वाली हैं, अगर हमको हम इसमें कुछ हमारा ऊपर नीचे हो जाता है तो हम उसमें नहीं बैठ पाएंगे। इस तरह से आपने क्या किया, तनाव लिया। अब आपके माइंड में तनाव है तो आपने क्या किया, पढ़ाई बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी और आपने बहुत अच्छे नंबर गेन किए और बहुत अच्छा परसेंटेज प्राप्त किया और आपने क्या किया, 2024 में जो वैकेंसीज आई उसमें आप बैठ पाए। ये आपका तनाव हो गया, कैसा हो गया, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक। अब आपके पास मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए एग्जाम ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब क्या है, बहुत टेंशन हो रही है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, अब इसमें आप डिप्रेशन में चले गए, आपने पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया और तनाव कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने तनाव कर लिया और उससे आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिर्फ तनाव ही तनाव हासिल हुआ, टेंशन ही टेंशन हासिल हुई, तो वो आपका नकारात्मक हो जाता है। यानी तनाव इतना ज़रूरी है जिससे आपका काम बने, लेकिन इतना वाला नहीं ज़रूरी है जिससे आपके काम बिगड़े। तो इस तरह से तनाव दो तरह के हो जाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो हमेशा तनाव कैसा होना चाहिए, सकारात्मक तनाव होना ही चाहिए, अगर ये तनाव नहीं है तो फिर आप वर्क कैसे करेंगे, है ना। तनाव का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तनाव की स्थिति में हृदय गति, रक्तचाप, पाचन शक्ति प्रभावित होते हैं तथा मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होता है। जीवन मूल्य संकट से के क्या कारण हैं, स्पष्ट कीजिए।
वर्तमान जीवन मूल संकट के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। भौतिक सुख सुविधा की अतिशय इच्छा, बिना योग्यता परिश्रम के अधिकतम प्राप्ति की इच्छा और मूल्य की दृष्टि से परिवार, समाज व शिक्षण संस्थाओं का प्रतिकूल वातावरण, समाज के उच्च पदस्थ लोगों का आचरण, मूल्य का ज्ञान होना किंतु भावना से असमद्ध रहना, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। यानी जीवन मूल्य संकट के क्या कारण है। अब संकट यहाँ पे आ रहा है, यानी जो संकट आता है उसका मतलब। तो भौतिक सुविधा की अतिशय इच्छा, बिना योग्यतम परिश्रम के अधिकतम प्राप्ति की इच्छा। अब आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा आपको चाहे किसी चीज़ की, आपको बहुत ज़्यादा नीड है, आप उनको हमको हर चीज़ मिल जाए, मतलब जो चीज़ है वो तो है ही है, अगर एक चीज़ है तो उसमें कि दो मिल जाए, दो जैसे कहते नहीं कि बहुत लोग कहते हैं अगर एक ड्रेस बनवा लिया तो हमें चार चाहिए, चार बनवा लिए तब हमको 16 ड्रेस चाहिए, अगर हमने गोल्ड की रिंग ले ली तो हमको अब डायमंड चाहिए, है ना। तो इस तरह से जब आप और सुविधाएँ और जो आपकी भौतिक जो जैसे चीज़ें लेने के लिए आपको कुछ देना भी तो पड़ता है, पैसा भी तो देना पड़ता है। अब आपके पास वो चीज़ नहीं है लेकिन आपको नीड इतनी है, तो आपका क्या है, ये संकट ही तो है। बिना योग्यता परिश्रम के अधिकतम इच्छा की प्राप्ति, यानी आप में वो योग्यता भी नहीं है और आप परिश्रम भी नहीं कर रहे हैं। भाई आप बिना परिश्रम के कैसे, अभी आपका एग्ज़ाम है, आप बिना परिश्रम के कैसे सफल हो पाएंगे। भाई कोई आपसे कह दे कि नहीं पढ़ो, नहीं आप ऐसे ही पास हो जाओगे, तो क्या पास हो जाओगे, नहीं पास हो पाओगे। कोई भी है, देखिए ये कड़वा सच है, है ना, ये तो कड़वा सच है लेकिन ये है, इसलिए क्योंकि बिना पढ़े कुछ भी नहीं मिलता है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि परिश्रम भी ना करना पड़े और उन्हें फल की प्राप्ति भी हो जाए। तो यहाँ पे है मूल की दृष्टि से परिवार, समाज व शिक्षण संस्थाओं का प्रतिकूल वातावरण। अब कहाँ पे हो जाता है, जैसे समाज है, शिक्षण संस्थाएं, अब उनका जब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इसमें भी दिक्कत आती है। समाज के उत्पदस्थ लोगों का आचरण भी ऐसा होता है, क्योंकि कहीं कहीं पर क्या होता है कि जैसे कोई इसके है, काबिल है कि मान लीजिए कि उसमें बहुत ज़्यादा योग्यता है, लेकिन भाई भतीजावाद कहीं पे चलता है, भाई भतीजावाद चलता है, ये चीज़ तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुनी होगी, बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहीं पे सिलेक्शन होना है तो क्या हो रहा है कि भाई उन्हीं के हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हो गया। अब जो बहुत ज़्यादा काबिलियत रखे हैं उनकी वहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भाई भतीजावाद चल रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है, मूल का ज्ञान होना किंतु भावना से असंबद्ध रहना, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। अब जो संस्कृति है, पुरानी संस्कृति है, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ लोग चलते हैं, तो इस तरह भी हो जाता है। तो जीवन मूल संकट के ये कारण हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। शांति कौशल क्या हो सकते हैं, तो शांति कौशलों को तीन भागों में बांट सकते हैं। शांति स्थापित करने में समुदाय के शिक्षकों की भूमिका, शांति शिक्षा हेतु विद्यालय प्रणाली, शांति शिक्षा में पाठ्यक्रम। अब क्या कह रहे हैं कि जो शांति शिक्षा स्थापित करने में जो समुदाय के शिक्षक हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब बच्चों को उस तरह से आप शिक्षा देंगे, बच्चों को स्टार्टिंग से समझाएंगे कि कैसे रहना है, आपको प्रेम भाव से रहना है, झगड़ा नहीं करना है, मारपीट नहीं करनी है, अगर दो बातें कोई सुना लेता है तो आपको सुन लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप छोटे बन जाएंगे। जो सुन लेता है वो बड़ा होता है, जो सुना लेता है वो छोटा रहता है, वो कायर होता है, जो सुनाता है वो कायर होता है, जो सुन लेता है वो वीर होता है। आप बच्चों को इस तरह से समझाएं तो बच्चों को समझ में आ जाएगा, फिर आप देखें कि बच्चे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। शांति शिक्षा है तो विद्यालय प्रणाली, अब उस तरह से प्रणाली भी होनी चाहिए, आप लोगों जैसे जो शिक्षक हैं उनको भी मिलनसार व्यवहार में रहना चाहिए, बच्चों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इस तरह से हो जाता है। और शांति शिक्षा में पाठ्यक्रम की तो महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो वो भी चीज़ होनी चाहिए। गांधी जी ने शांति स्थापित करने के लिए क्या उपाय बताए, गांधी जी ने कहा कि प्रेम के कानून के बिना संसार में सच्ची शांति कभी संभव नहीं। क्या कह रहे हैं कि प्रेम के कानून के बिना, अगर प्रेम है तो आप शांत हो ही जाएंगे। जैसे आपको कोई कुछ कह रहा और उससे आपको प्रेम है तो आप कुछ भी उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आपको घृणा है उससे तो आप उसको जवाब देंगे, लेकिन हालांकि प्रेम हो या घृणा हो आपको कहना कुछ भी नहीं है। शस्त्र के बल पर लोगों को चुप रखा जा सकता है, जैसे आप किसी के पास तलवार है, किसी के पास बंदूक है, तो उसके बल पर तो आप खामोश रख ही लेंगे कि भाई ऐसा ना हो मैं बोलूं और ये मुझे मार दे, लेकिन जब तक सभी के मन में अहिंसा के भाव यानी
ना हो तो शांति की पुकार भयावह जंगल में अनग्न पुकार होने जैसी सिद्ध होती है। यानी जब आप प्रेम से उसे, जैसे कि आपने अस्त्र शस्त्र पकड़े हैं तो आपसे अगर कोई खामोश है तो वो क्या खामोश हुआ, जब आपकी प्रेम से कोई खामोश हो कि देखो ये बंदा कुछ भी नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये बंदा रिस्पेक्ट के काबिल है, तो हमें खामोश हो जाना चाहिए। हम बेफजूल में लगे हुए हैं, इससे झगड़ा कर रहे हैं, इससे बहस कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा कुछ नहीं कह रहा है। तो क्या है कि उसने जो आपने प्रेम भाव दिखाया तो उससे वो बंदा क्या हुआ, उसमें बदलाव आया, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। सर्वोदय कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखे, सर्वोदय समाज में सभी सुखी होते हैं, सर्वोदय का रास्ता प्रेम है और प्रेम के द्वार ही शांति स्थापित हो सकती है। यानी सर्वोदयी कार्यक्रम क्या है, तो इसमें जो सभी हैं वो सभी क्या हैं, सुखी होते हैं, और सर्वोदय का रास्ता किससे गुजरता है, तो प्रेम से, और प्रेम के द्वारा ही शांति क्या होती है, शांति स्थापित होती है। व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं बताएं, तो व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं निम्न हो जाती हैं, जन्म से पूर्व की अवस्था, शिशुअवस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था। अब व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, तो जन्म से पूर्व की अवस्था होते हैं ना डिम्बावस्था, और भी अवस्थाएं जैसे हो जाती हैं, तो वो हो जाती है। फिर शिशुअवस्था जब बच्चा जन्म लेता है, फिर उससे 5 साल तक की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, तो शिशुअवस्था कहते हैं। फिर 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, इसको गंदी अवस्था भी कहते हैं। बच्चे इसमें देखिए गंदे रहना और ये सब तरह से बच्चे पसंद करते हैं, और बच्चे बोलना भी सीख जाते हैं, लगभग चीज़ों को कहना भी सीख जाते हैं, और जैसा पर्यावरण जैसा माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग ढलना भी सीख जाते हैं। फिर आती है किशोर अवस्था, ये आपकी हो जाती है तनाव तूफान संघर्ष की अवस्था हो जाती है। इसमें बच्चा खुद नहीं समझ पाता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है आखिर में, जो ये इतने क्योंकि शारीरिक मानसिक सभी तो इसमें बदलाव होते हैं, तो जो ये इतने बदलाव होते हैं अचानक से आते हैं, आप ये सोचते हैं ये इतने बदलाव आखिर आए कहाँ से हैं। इसमें ये भी हो जाता है कभी जो अपोजिट लिंग होता है इसके प्रति आकर्षण हो जाता है, उस पर ध्यान हो चला जाता है, लेकिन और यही एज एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चा चाहे तो कामयाबी की तरफ जा सकता है और बच्चा चाहे तो नाकामयाब भी हो जाता है, क्योंकि अगर वो बुरी संगत में पड़ गया है इसी एज में क्या होता है, जैसे नशे की लत लग जाना, बुरे कामों में, इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। और इसी एज में अगर बच्चों को अच्छे माहौल में रखा जाए, उनसे बच्चों से माँ पापा जैसे उनके जो हैं जो भी गार्जियंस हैं उनके, वो अगर बात करते हैं बच्चों से और उनको अच्छी परवरिश देते हैं, तो वो बच्चे आगे चलकर बहुत क्योंकि आज का जो बच्चा है कल का वो नागरिक है, तो अगर नागरिक अगर ऐसे बने ना, उनको अच्छे माहौल में ढाला ना जाए, तो आज जो नागरिक है वो कैसे बनते हैं ना। सभी की एक एज, क्योंकि आपकी हमारी सभी की एज आई, किशोरावस्था से हम सभी लोग गुजरे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं गुजरा है ना। तो जब अच्छी परवरिश मिल जाती है, अच्छे से क्या होता है बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाता है, तो इस एज में बच्चे नहीं बिगड़ते हैं और बच्चे उन्नति की तरफ जाते हैं। तो ये अवस्था हो जाती है किशोर अवस्था, और ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, आपका बाल विकास में, इसमें कि ये अवस्था होती कौन सी है, तनाव तूफान की अवस्था कौन होती है, मतलब क्वेश्चन बदल बदल के इस तरह से घुमा फिरा के आते ज़रूर हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। आप देख लेते हैं व्यक्तित्व क्या है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम कह सकें कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जिससे अपूर्व व्यवहार और विचार का निर्धारण करता है, या परिभाषा किसी है तो उक्त परिभाषा मनोवैज्ञानिक आल्पोर्ट ने दी है। व्यक्तित्व के निर्धारण तत्व क्या है। व्यक्तित्व के 3 निर्धारण तत्व होते हैं, जैविक या शारीरिक निर्धारक, मनोवैज्ञानिक निर्धारक और वातावरणीय निर्धारक हो जाते हैं। सहपाठी से आशय स्पष्ट कीजिए। सहपाठी से आशय ऐसे समूह से जिसमें 4-5 छात्र इकट्ठे रहते हैं। सहपाठी यानी कि साथ में पढ़ने वाले, है ना। तो एक बच्चे क्या करते हैं, जब क्लास में 4-5 लोगों का एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे बच्चे जो होते हैं अपने अपने मिजाज के अकॉर्डिंग दोस्ती कर लेते हैं और फिर वो साथ में रहते हैं, तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं जो ये होते हैं, तो इनके ये सहपाठी कहलाते हैं। सहपाठी समूह की विशेषता लिखिए। सभी सदस्य इकट्ठे रहते हैं, सभी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, सभी समान उम्र के होते हैं, सभी की रुचियाँ समान होती हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर ये इकट्ठे ना रहें तो वो भाई सहपाठी कैसे, और सभी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो हाँ बिल्कुल विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि
अपने दोस्तों से ज़्यादा इस जब ये दोस्त बनाते हैं तो फिर ये किसी पे विश्वास नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों पे ही विश्वास रखेंगे। और सभी उम्र में भी समान होते हैं और सभी की रुचियाँ भी समान होती हैं, क्योंकि अगर रुचियाँ समान ना हो, जैसे देखो आपने देखा होगा क्लास में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ाई में हैं तो उनकी जितनी भी दोस्त सहेलियाँ होंगी वो एक ही जैसे होंगे, सब पढ़ने में अच्छे होंगे। और एक ग्रुप ऐसा बना होगा जिसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना क्लास में, हर क्लास में होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में होते हैं या सिर्फ हमारे स्कूल में या आपके स्कूल में, ऐसा नहीं, सभी के स्कूल में होता है और सभी स्कूल्स में होते हैं ये चीज़, ये होता है। तो कुछ बच्चे जो पीछे बैठते हैं तो उनकी टोली अलग होती है, वो टोली अपनी बनाते हैं, तो वो उनको डांटा भी जाता है, उनको सुनाया भी जाता है कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो। लेकिन उनके जितने दोस्त हैं वो सब एक ही कैटेगरी के होते हैं, मतलब वो एक जैसे होंगे, नहीं पढ़ना है तो उनको नहीं पढ़ना है, और जो बच्चे एक टोली होगी तो उनको पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो जैसे जो स्वभाव के होते हैं वो अपने दोस्त भी वैसे ही स्वभाव के बनाते हैं, यानी उनकी रुचियां भी समान ही होती हैं। सहपाठी समूह के लाभ बताएं। सहपाठी समूह के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है, ये आत्मनिर्भर होना सीखते हैं, सहयोग की भावना पनपती है, सहपाठी समूह में इकट्ठे रहने की कला का विकास होता है। अब सहपाठी समूह जो होता है इससे क्या लाभ होते हैं ये चीज़ समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जो सदस्य होते हैं जैसे अब 4-5 लोगों का एक ग्रुप बन गया तो इसमें इन्होंने हमारी मदद की, एक दूसरे की सब मदद करते हैं, कभी कोई बुक नहीं लेके गया तो शेयर कर लेते हैं, कॉपी पेन और इस तरह से कुछ भी, मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है वो एक दूसरे क्या करते हैं, एक दूसरे के सोल्यूशन कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, और आत्मनिर्भर होना सीख लेते हैं, और सहयोग की भावना इनमें पनपती है। सहयोग की भावना की भाई अगर कोई कुछ नहीं लाया, मान लीजिए टिफिन नहीं लेके आए दिन, तो क्या करते हैं वो शेयर करते हैं, आपने देखा होगा बच्चे शेयर नहीं करते कि आज भाई टिफिन नहीं लाया आज हमारे साथ आप शेयर कर लो, तो इस तरह से ये क्या होती है, सहयोग की भावना हो जाती है। और सहपाठी समूह में इकट्ठे रहने की कला का विकास होता है। अब इकट्ठे जब ये स्कूल में यानी एक क्लास में इकट्ठे रह रहे हैं तो फिर ये परिवार में भी इकट्ठा रहेंगे, समाज में भी इकट्ठा रहेंगे, मेल जोल बढ़ाएंगे, तो ये सब चीज़ें क्या है बच्चे स्टार्टिंग से ही सीखते हैं। उसके बाद हो जाता है सामाजिक बोध की परिभाषा दीजिए। बेरन एवं बारने के शब्दों में सामाजिक बोध का आशय सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, स्मरण तथा उपयोग करने से है। आत्मकर्ता या आक्रमकता की एक परिभाषा लिखिए। आक्रमकता क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। आक्रमकता, मायर्स की आक्रमकता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आक्रमकता वह शारीरिक या भौतिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। किसी को तकलीफ देना, किसी को दुख देने के लिए ये क्या किया जाता है, इसका उद्देश्य होता है। आक्रमकता के प्रकार बताएं तो आक्रमकता के मुख्य दो विशिष्ट प्रचलित प्रकार हैं, शारीरिक आक्रमण व्यवहार और मौखिक आक्रमण व्यवहार, यानी कि शारीरिक जैसे मारना पीटना इस तरह से, मौखिक आपने उनको भली बुरी बातें सुना दी तो आपने मौखिक किया। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि मौखिक कहा हुआ इंसान कहता मैंने कहा ही क्या है, मैंने कुछ भी तो नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना, लेकिन सिर्फ से नहीं होता है वही चीज़ कि आप जख्म दे दो वो मिट जाएगा, वो दवा से ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मौखिक कहा जाता है वो चीज़ मिटती नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कभी भी आप लोग किसी को इतना अगर कभी जैसे हो जाता है, मन गुस्सा हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, तो इतना आप कहें जो दोबारा दोस्ती हो तो आप शर्माएं ना, लेकिन इतना ना कहें कि आप दोस्ती करने के बाद उससे शर्माएं कि मैंने इतना बुरा इसको कहा था कि आज मुझे खुद से शर्म आ रही है। तो ऐसा कभी भी किसी के साथ मत करिएगा, कोई लोग भी, हम या आप, कोई भी ना करें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। नैतिकता के क्षेत्र क्या है, नैतिकता के क्षेत्र निम्न है, व्यक्ति, परिवार, स्कूल, समाज, ये क्या है, ये सब नैतिकता के क्षेत्र हो जाते हैं। क्योंकि बच्चा क्या करता है कि नैतिकता का जो पाठ है वो परिवार से, स्कूल से, समाज से, सभी से सीखता है। क्योंकि सबसे पहला बच्चा परिवार में आता है, अपनी माता के संपर्क में, अपने पिता के संपर्क में, अपने बड़ों के संपर्क में आता है, वहाँ से सीखता है, उसको हर चीज़ के बारे में जो भी, जैसे मम्मी पापा जो भी यानी माँ बाबा जो भी कर रहे हैं, आप कोई आता है उसका उसको नमस्कार करते हैं, उसको आते हैं तो बिठाते हैं, इज्जत देते हैं, तो बच्चा भी कहता है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए।
और स्कूल में जो टीचर्स होते हैं बच्चों को सिखाते हैं कि हमें बड़ों से कैसे क्या करना चाहिए, बड़ों से प्रेम करना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, छोटों को भी प्रेम करना चाहिए, कभी बुरा नहीं कहना चाहिए, तो टीचर्स भी बच्चों को ये चीज़ें सिखाती है। समाज में आते हैं तो जो हमारा मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है और समाज में सीखता है। तो जब हमारा जो सामाजिकरण है, जो हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे जैसा होता है, जैसे कहते हैं कि भाई पड़ोसी हमारे बहुत अच्छे हैं, तो हमने क्या किया, अपने पड़ोसियों से ही हर चीज़ सीखी, क्योंकि पहले तो माता से सीखा, फिर पिता से सीखा, फिर बड़ों से सीखा, विद्यालय गए, विद्यालय, लेकिन विद्यालय जाने से पहले हम पड़ोसियों के संपर्क में आए, तो जैसे वो रह रहे होंगे उसी तरह से हम भी वैसे ही रहना चाहते हैं ना, कि हमारे पड़ोसी ऐसे रहते हैं, हमारे पड़ोसी पूजा पाठ करते हैं तो हमें भी करना चाहिए, हमारे पड़ोसी बहुत इज्जत करते हैं लोगों की, तो हाँ यही होता है, यही करना चाहिए, तो इस तरह से हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। नैतिकता क्या है, अब नैतिकता होती क्या है, नीति के अनुसार व्यवहार करना नैतिकता कहलाता है। नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं, बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहते हैं। यानी क्या, किसको कहते हैं नैतिक शिक्षा, तो जो मनुष्य को उदार बनाता है ना, उसको क्या करता है, बालक का सामाजिक विकास करता है और उसके व्यक्तित्व का संतुलित और सर्वांगीण विकास और उसका दृष्टिकोण उदार बनाने की शिक्षा देता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो नैतिक शिक्षा कहा जाता है, जिसमें बच्चों को सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हमें कैसे रहना, हमें बड़ों से कैसा व्यवहार करना है, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना, हमें प्रेम से रहना है, हमें क्या करना है, हमें कोई आता है तो उसको सलाम नमस्ते करना है ना, तो उसको पानी पूछना, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये किस में आती है, नैतिकता ही में तो आती है ना। या कोई आ रहा है, कोई किसी को भूख लगी है, वो उसको खाना चाहिए, कोई मान लीजिए दरवाजे पे आ गया और वो कह रहा है हमें भूख लगी, हमें खाना चाहिए, तो मतलब आप उसे खाना दें, तो बच्चे जब ये देखते हैं तो उनको भी ये होता है कि हाँ देना चाहिए, भूखों की मदद करनी चाहिए, किसी को, कोई किसी के पास कपड़ा नहीं है तो आप उसको कपड़े दे दो तो वो पहन ले, है ना, तो ये सब चीज़ें हो जाती है, तो बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। नैतिक शिक्षा के दो उद्देश्य हैं, नैतिकता का विकास और आध्यात्मिक विकास। समाज अनुकूल विकास क्या है, समाज अनुकूल विकास का सीधा अर्थ समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है, इस प्रक्रिया को सामाजिकरण कहा जाता है। उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत किसे कहते हैं, तो उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने दिया है। हिंसा से अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, तो हिंसा को आमतौर पर परिवार, घर के सदस्यों, अंतरंग साथी, सहयोगों, व्यक्तियों, समूह पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से व्यवहार की एक पद्धति के रूप में समझा जाता है। हिंसा से कोई पांच हानियां, तो हिंसा से कई प्रकार की हानियां होती हैं। हिंसा शारीरिक पीड़ा देने का कार्य करती है, हिंसा मानसिक पीड़ा देने का कार्य करती है, हिंसा समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करने का कार्य करती है, हिंसा समाज सद्भाव भाईचारे की भावना को समाप्त करने का कार्य करती है, हिंसा लोगों में आक्रोश एवं प्रतिशोध की भावना को जागृत करने का कार्य करती है। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा, तो इससे क्या होता है, ये हिंसा शारीरिक पीड़ा तो देगी ही, जब झगड़ा करेंगे तो शारीरिक पीड़ा तो देता ही। हिंसा क्या है, मन, जो मस्तिष्क होता है ये भी जो है, आप भले इंसान को हाथों से ना मारे लेकिन मुंह से आपने कुछ कह दिया, भली बुरी बातें सुना दी, तो उसका जो मन होता है, जो मानसिक जो होता है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिलती है। और हिंसा समाज में भय का वातावरण उत्पन्न कर देता है, तो भय का तो वातावरण उत्पन्न ही कर देता है कि जब आप हिंसक बन जाएंगे तो क्या होगा, भय ही तो उत्पन्न हो जाएगा। हिंसा समाज सद्भाव जो भाईचारे की भावना है उसको समाप्त कर देती है, तो जो हमसे और आपसे जो बन रहा था, जो बॉन्डेशन थी अच्छे, हम लोगों में बन मतलब मामला बन रहा था, अच्छा सब चल रहा था, और आपने ऐसी बातें हमें सुना दी, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा भाईचारा है आपसे वो समाप्त हो जाएगा। और हिंसा लोगों के आक्रोश एवं प्रतिशोध की भावना को जागृत करने का कार्य करते हैं। अब हिंसा, आपने ऐसा किया, शारीरिक प्रताड़ना दी, मानसिक प्रताड़ना दी, हमारा भाईचारा भी समाप्त हो गया, तो अब क्या है, अब आक्रोश उत्पन्न हो गया, अब माइंड में क्या चल रहा है कि किस तरह से इन्होंने हमको कहा है, अब आपको चैन नहीं है, अब आप में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि उन्होंने हमको ऐसा सुनाया, क्यों क्यों कहा, तो क्या है, आक्रोश और प्रतिशोध मतलब अब हमको क्या है कि उसका बदला लेने की एक भावना अंदर से जाग जाती है, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। सांस्कृतिक हिंसा
की विकृति से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कीजिए। तो सांस्कृतिक हिंसा का विकृत रूप अधिकतर महिलाओं के सम्मान, उनका शारीरिक रूप से उत्पीड़न, महिलाओं को उनके सामाजिक स्तर पर परित्याग, उनको अपंग बनाना, उनकी हत्या तथा अन्य प्रकार के अपराध हो जाते हैं। ये किस में आते हैं? तो सांस्कृतिक हिंसा की विकृति से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कीजिए, इसमें हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, योग शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि हो जाते हैं। अष्टांग योग के में यम का क्या आशय है? अष्टांग योग में यम का अर्थ है चित्त को धर्म से स्थिर रखने का साधन। यम के प्रकार लिखिए, तो यम के 5 प्रकार है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर और अपरिग्रह। नियम के प्रकार बताएं, नियम के प्रकार हैं सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधान। ध्यान से क्या अभिप्राय है? चिंतन व मनन करना ही ध्यान है, अर्थात अपनी चित्तवृत्ति को जिस विषय में धारणा द्वारा लगाए रहते हैं उसी विषय में निरंतर लगाए रहना ही ध्यान होता है। यानी ध्यान, जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं तो एक ही चीज़ में ध्यान लगाएंगे ना, तो चित्तवृत्ति हो जाती है, तो वही आपका क्या हो जाता है? ध्यान हो जाता है। समाधि किसे कहते हैं? जब अहंकारिक चेतना से ऊपर उठकर ध्यान हरा हो जाता है और वह अपने अति उच्च शिखर पर पहुँच जाता है तो वह समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है। मानव अधिकार क्या है? वे अधिकार जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में नहीं थे, इसके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। मानवाधिकार हमें पूर्ण रूप से विकसित होने के अवसर प्रदान करते हैं। सतत विकास से क्या अभिप्राय है? सतत विकास एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा किया जाता है। मानवाधिकार शिक्षा के कोई उद्देश्य लिखिए, तो मानवाधिकार शिक्षा के उद्देश्य हैं मानव अधिकारों का संवर्धन, संरक्षण, मानव स्वतंत्रता, प्रगति, विश्व शांति और समृद्धि हो जाती है। तो आपका सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी कंटिन्यू करें। थैंक यू।